गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स की स्टडी कर रहे थे, तो एक्सरसाइज 2.1 लगाया था। अगर आप में से किसी को एक्सरसाइज 2.1 में डाउट है तो पूछ सकता है। वॉइस आ रही मेरी? तो आज हम लोगों उसी के आगे कुछ टॉपिक्स को समझेंगे, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ कोफिशियंट्स वगैरह के बारे में, फिर हम लोग आज जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल को स्टडी करेंगे। तो देखिए, पहले एक एक चीज क्लियर कर दूँ आज फिर से एक बार। शॉर्ट ब्रीफ ब्रीफ रिकैप ले लीजिए। कुछ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है टर्म्स। टर्म्स टर्म्स, कोफिशियंट, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और क्या देखना है? पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री। इन सबको एक एक करके देखेंगे। शॉर्ट में देख लीजिए, अगर आपके पास कभी इस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है या इस टाइप का लिखा है, इन सभी में प्लस या माइनस, माइनस भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जब माइनस हो या प्लस हो, जितने टर्म्स आ रहे हैं प्लस माइनस से जितनी बार सेपरेशन हो रहा है वही उसका नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इस वाले इक्वेशन में दो टर्म्स है, कितने हैं? दो। इसमें तीन, इसमें इसमें एक्स वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस जेड, तीन टर्म, एक दो तीन। प्लस से कितनी बार सेपरेट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा ये बात। प्लस कितनी बार आया, दो बार कि एक बार? एक बार। ये प्लस है, ये प्लस नहीं दिख रहा है, कितनी बार प्लस है? दो बार प्लस। तो कितने बीच कितने लोग हैं? तीन लोग। तो तीन टर्म। कोफिशियंट देखो, इसमें एक्स का कोफिशियंट देखेंगे। एक्स का कोफिशियंट क्या है? एक्स का कोफिशियंट है 3। इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है और वाई का कोफिशियंट? इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है, वाई एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट? 3 किसी का कोफिशियंट है? नहीं। यहां पर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? एक्स। एक्स का कोफिशियंट कौन है? वाई स्क्वायर। एक्स के लिए वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के लिए एक्स। ये मत सोचे कि ये लेफ्ट साइड लिखा है, ये मत सोचे कि हमेशा इसी साइड लिखा हो, जरूरी नहीं है। लेकिन इस वाले टर्म में एक्स का कोफिशियंट क्या है? 6, ठीक है। इसमें जेड का कोफिशियंट क्या है? 1। नहीं समझ में आया? यहाँ z के आगे 1 है, 1 इंटू z क्या आ जाएगा? z, तो इसीलिए z के आगे 1 है। नहीं समझे बात? समझ गए? आया समझ में? नहीं आया? कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं आया? कुछ कुछ डाउट है तो बोलो। यहाँ 3 था, ये वाला बताऊं, इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट। और क्या जानना है इसमें? ये 3, 3 तो कांस्टेंट है, इसका 1 क्यों नहीं हुआ? कोफिशियंट हमेशा वेरिएबल के लिए देखते हैं। किसके लिए देखते हैं? वेरिएबल के लिए। इसमें वेरिएबल है कहीं? इसमें भी है वेरिएबल, इसमें है वेरिएबल, इसमें
नहीं है, लेकिन इसमें वेरिएबल है, समझ गए बात? जहां वेरिएबल होगा वहीं कोफिशिएंट की बात होगी, वेरिएबल नहीं होगा तो कोफिशिएंट की बात नहीं होगी। अब देखिए वेरिएबल बताओ, इसमें कौन है वेरिएबल? वेरिएबल यानी एक ऐसी चीज जिसकी कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो इसमें क्या 5 को बदल सकते हैं? 5 को बदल सकते हैं? 3 को? x की जगह कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं अपने मन की, तो x बदल सकता है, इसीलिए x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल। इसमें कौन है वेरिएबल? और दोनों। इसमें कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। दोनों वेरिएबल एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, वेरी गुड। और इसमें कौन है वेरिएबल? एक्स है, वाई, जेड, जेड, तीन वेरिएबल हो गए। ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, और वाई एक्स एक ही मतलब है वेरिएबल। यानी आपको ये देखना है कितने तरह के वेरिएबल आ रहे हैं। एक्स वाई जेड के अलावा भी कोई है? पी क्यू आर, ऐसा कुछ नहीं। तो एक्स वाई और जेड ये तीन वेरिएबल हो गए। अब कांस्टेंट देखो क्या क्या है। इसमें 3 है कांस्टेंट, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। 5, 3, 3, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब पॉलिनोमियल, अब डिग्री देखो क्या है। इसमें कितने वेरिएबल है? वेरिएबल कितने हैं? एक्स एक ही। उस एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? कौन सा एक्स हाईएस्ट पावर है? 3 का पावर क्या है? एक्स के पावर क्या है? 1। 3 नहीं है, 3 तो कोफिशियंट है, 3 क्या है? कोफिशियंट। एक्स के पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। इस वाले का डिग्री बताओ, इसका 1 है, इसका 1 है, तो 1 प्लस 1 2। 1 प्लस 1 2 तभी करेंगे जब एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई में हो। जब प्लस से सेपरेट हो रखे हैं तो ऐड नहीं करेंगे, या माइनस भी अगर बीच में है तो हम लोग 1 ही काउंट करेंगे, 2 नहीं, ठीक है ना? तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। नहीं समझे? नहीं समझे? 1 ऐसे कि 5 में x के पावर क्या है? 1, y के पावर क्या है? 1। अब अगर x के पावर 1 है, y के पावर 1 है, आप तुमको ये पता है a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन होता है, ये बात पता है? पता है ना? एक एग्जांपल जानते हो इस टाइप का, जैसे 2 के पावर 3 लिखा है और 2 के पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5। ये बात पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो बोलो, ये बताओ पहले। नहीं पता ना तो बोलते क्यों नहीं है? झूठ क्यों बोल रहे हो कि पता है? बोलोगे तो बताऊंगा नहीं क्या? प्रॉब्लम क्या है? तुम जानना नहीं चाहते हो, तुम पूछना भी नहीं चाहते हो। पूछो। देखो टू का स्क्वायर क्या होता है? 4। और 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। यहाँ 2 के पावर क्या है? 1। यहाँ 2 के पावर 1 क्या है? यानी कि अगर दोनों मल्टीप्लाई में, तो हम इसको पावर को क्या करें? 1 प्लस 1 कर दें, तो क्या बन जाएगा? 2 के पावर 2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4। यानी कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर या इंडेक्स। जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो बेस को ऐड जोड़ेंगे तो पावर भी ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा? 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 क्या होता है? 4। इसीलिए दोनों आंसर सेम आ रहा है। नहीं समझे बात? एक और एग्जांपल देखो, 3 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसके पावर क्या है? 1। इसके पावर 1, इसके पावर 1, तो तीनों बेस सेम है तीनों,
तो पावर को ऐड कर दो, 3 के पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 क्या आ जाएगा, 27। नहीं समझे बात, क्या नहीं समझे हैं, बोलो तेज, यहां 3 कैसे आया, 1 प्लस 1 कैसे आया। ये रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है कि अगर बेस के, अगर बेस सेम हो, अगर इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं इंडेक्स या फिर पावर, अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या कर दिया जाता है, ऐड। तो ये देखो तीनों का बेस सेम है और तीनों का पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो 3 के पावर 3 क्या होता है, 27। नहीं समझे बात अभी भी, एक और देख लो, 3 के पावर 2 में मल्टीप्लाई करोगे 3 के पावर 1, इसका आंसर क्या आएगा, क्या करना है इन दोनों को, 3 का स्क्वायर 9, 3 बन जा 327। अब देखना, मान लो तुम इसको ऐसे करते, बेस सेम होता है तो पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो बेस सेम है क्या, तो पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, तो ये 27 आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया बात, आया ना। तो ऐसे ही कुछ यहां पर होता है, जब आपका इस टाइप से दिया हुआ वेरिएबल x प्लस y और एक वेरिएबल दिया हुआ x इंटू वाई, तो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, ठीक है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो अभी इसको पावर 1 ही कंसीडर करेंगे, लेकिन जैसे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये 1 हो गया, ये भी 1। अब देखिए क्या ये दोनों बेस सेम है, नहीं अलग अलग है, तो फिर भी मैं इसकी डिग्री क्या बोल रहा हूँ, 2। कैसे, मुझे ये नहीं देखना है कि ये वेरिएबल कौन कौन से हैं, मुझे बस ये देखना है क्या ये दोनों वेरिएबल हैं या नहीं, क्या ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल के पावर 1 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल के पावर 1, अब बेस सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, v के पावर 2, यानी कि वेरिएबल के पावर क्या है, 2। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मुझे ये नहीं देखना है कि ये कौन सा वेरिएबल है, या ये नहीं देखना कौन सा वेरिएबल है, अगर वेरिएबल्स के बीच मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है तो हमें ये देखना है कि अगर वेरिएबल्स के बीच मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है तो हमें ये नहीं देखना है कि वेरिएबल अलग अलग है या सेम है, बस हमें डायरेक्टली पावर्स को ऐड करके बताना है कि डिग्री क्या है। नहीं समझे, फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर ध्यान दो है ना, और मेरी बातें सुनो ध्यान से और दिमाग इधर रखो, वेरिएबल हमें ये देखना है कि क्या ये वेरिएबल है, हाँ है, क्या ये वेरिएबल है, हाँ है, मुझे ये नहीं देखना है कि ये कौन सा वेरिएबल, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि यहाँ वेरिएबल एक्स है या यहाँ वेरिएबल वाई है, मुझे बस इस बात से मतलब है कि आप वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले वेरिएबल के पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल की भी पावर 1 है, तो दोनों के पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर यहाँ वाई की पावर 2 होता तो इसकी डिग्री 3 हो जाती, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है जिसके पावर 1 है, ये भी एक वेरिएबल है जिसके पावर 2 है, तो सम ऑफ वेरिएबल के पावर 1 इंटू वेरिएबल के पावर 2 तो क्या हो जाता है, वेरिएबल के पावर 3। समझ गए बात, ये कब होगा, जब मल्टीप्लाई का साइन हो, लेकिन जब ऐड का साइन रहेगा तब ये काम नहीं करेंगे, तब हम डायरेक्टली किसी एक वेरिएबल को ले लें और बता दें पावर, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया, अब ध्यान देना। तो इसमें कितने वेरिएबल है, 1, वो वेरिएबल कौन है, एक्स, उस x के पावर क्या है, 1, तो इसका इस पॉलीनोमियल की डिग्री हो गई 1। इसमें देखिए दो वेरिएबल है x और y, पर दोनों के बीच प्लस का साइन है कि मल्टीप्लाई का है, तो हम लोग एक का ही पावर लेंगे, यानी कि डिग्री बताने के लिए किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, इनमें से कौन से की डिग्री ज्यादा है, किसी की नहीं, दोनों के बराबर है, तो कोई भी एक डिग्री लिख दो, क्या है डिग्री, 1। ये देखो x और x स्क्वायर दो वेरिएबल है या एक ही है, एक ही है दोनों वेरिएबल, लेकिन इनमें से कौन से x की डिग्री ज्यादा है, वैल्यू पावर ज्यादा है, 4x स्क्वायर की क्या है पावर, 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। हमेशा डिग्री सबसे हाईएस्ट लेनी है,
इसमें x इंटू वाई स्क्वायर, अब देखो x इंटू वाई स्क्वायर तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर से सोचो, मल्टीप्लाई का साइन है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, तो टोटल कितना हो जाएगा, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, एड 3। ले इसकी डिग्री कितनी आ गई, इसका पावर कितना आया, 3। यहां पर x के पावर क्या है और यहां पर z के 1 1 1 और 3, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, 3 3 1 1 में सबसे बड़ा कौन है, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। नहीं आया ये चीज है, फिर से समझो इसको ये इसकी डिग्री 3 कैसे हुई, ये बात समझ में आया कि नहीं, इसका पावर 3 कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं, इसका पावर क्या है, z का पावर क्या है, मैंने क्या बोला, डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर होता है, तो हाईएस्ट पावर कौन आया, इसलिए 3 हो गया। नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आया, कोई डाउट है क्या है, पूछो है, z का ठीक, z के पावर 1 है, x के पावर भी 1 है, x और y स्क्वायर इन दोनों का कंबाइन करके पावर क्या है, 3। तो तुमको ये देखना है, क्या ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, एक बार वेरिएबल के पावर 3 है, एक बार वेरिएबल के पावर 1 है, एक बार वेरिएबल के पावर 1 है, तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, अभी भी नहीं आया। ये z भी तो एक वेरिएबल ही है, इससे z से क्या कंफ्यूजन हो रही है, ये 3 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना है बस, डिग्री हमेशा दिए गए वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर देखनी है बस आपको, नहीं आया अभी भी। अब ये पॉलिनोमियल किस टाइप का, ये देखना है, ये 1 डिग्री का है तो लीनियर, ये कितने डिग्री का है, 1 या 2, डिग्री देखो उधर लिखा मैंने, लीनियर है तो 1 है तो लीनियर, ये वाला कितने डिग्री का है 2 का, तो क्वाड्रेटिक, और 3 का है तो क्यूबिक, कल बताया था, तो प्रॉब्लम कर लोगे, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके जाओगे आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज आपको बताऊंगा जीरोस ऑफ देखिए एक पॉलिनोमियल, देखिए मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया है px, क्या दिया है पॉलिनोमियल px, 5x³ - 2x² + 3x - 2, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, इसका क्या करना है आपको, अब मान लीजिए x की वैल्यू क्या रख दें, -1, तो चलो रख देते हैं p times of -1, मतलब p of -1 = 5 times of -1 का क्यूब -2 times of -1 का स्क्वायर +3 times of -1 - 2। सॉल्व करो, -1 का क्यूब क्या आता है, नहीं पता, क्यूब करने का मतलब पता है कि नहीं, ये बताओ -1 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, है 2 0, जाके पढ़ाई करो पहले आप, नहीं तो गलत क्लास में एडमिशन हुआ है आपका, -5, -1 का स्क्वायर + 1 प्लस
-3 -2। अब देखिए -5 -2 -3 -2, सॉल्व करिए देखिए क्या आया। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, आपको यहाँ +1 रख रहा था, कोई नहीं, छोटा थोड़ा सा चेंज होगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +5, इसमें -2 और इसमें +3 और इधर -2। अब सॉल्व करते हैं, +5 -2 +3, इसको सॉल्व करिए। 5 + 3 8, 8 -2 and -2 में को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -4, 8 - 4, ठीक है, 8 में से 4 जाएगा 4। देखिए क्या आया 4, यानी कि P1 की वैल्यू क्या है 4। इसी तरह अगर आप इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखोगे, जब x की वैल्यू 0 रखोगे, यहां पर P1 की वैल्यू क्या आई 4, लेकिन जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे 0, यानी कि P0, तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा -2। क्या आएगा? इसी तरह जब आप x की वैल्यू क्या रखोगे -1, तो आपको एक खास चीज नजर आएगी, वो ये कि जब आप p की वैल्यू -1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 0। यानी कि यहां पर आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन जिस x की वैल्यू के लिए ये p की वैल्यू 0 हो जाए, उसी वैल्यू को 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आया बात? x की कोई भी वैल्यू डाली जा सकती है, बट x की वो वैल्यू जिसके लिए ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 आने लग जाए, उसी x की वैल्यू को 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है, ये बेसिक सा चीज है। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। पिछली क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो देखो मान लीजिए आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा जरूर अपनी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपको पॉलिनोमियल दिया है px और उसकी बोला है कि x की वैल्यू दी है, कहा कि इस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करिए, ठीक है ना। तो 2-3 एग्जाम्पल दिए, उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें से खास ये है कि किसी का भी आंसर 0 नहीं आ रहा है। बस आपको कहा कि x की जो भी वैल्यू है उसको डालिए उस वेरिएबल की जगह और सॉल्व करके बताइए, तो ये बात देखिएगा। लेकिन इसमें आगे आप देखेंगे कि इसी में जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको इक्वेशन ये दिया px = x - 1। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग x की वैल्यू क्या ले लें 1, तो p1 क्या हो जाएगा 1 - 1 = 0। तो x = 1 को हम लोग 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी 0 ऑफ पॉलिनोमियल को कई जगह रूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी को कई जगह रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन बोला जाता है। अगर मान लीजिए आपको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया है, A constant non-zero polynomial has no zeros या no roots।
किसी भी कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल में कोई भी जीरो नहीं होता है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख दिया सिर्फ फाइव, तो इसका एक्स का एक्स के पावर क्या है यहाँ पर, जीरो। एक्स के पावर जीरो की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के पावर जीरो की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हो? नहीं, एक्स के पावर जीरो की वैल्यू वन आएगी, ठीक है ना? कैसे आएगी है बताते हैं, फ्री टाइम में तुम थोड़ा सा सीख लेना ना। तो एक्स के पावर जीरो की वैल्यू वन आएगी, एक बार ये दिमाग में रखो, यानी कि फाइव इंटू वन क्या हो जाएगा, वन, फाइव। तो यानी कि एक्स की कोई भी वैल्यू डालो हमेशा आंसर फाइव ही आएगा, यानी कि ऐसी कोई भी वैल्यू एक्स की डालो हमेशा आंसर फाइव ही आए, यानी कि कोई भी वैल्यू ऐसी है ही नहीं कि आंसर जीरो आ जाए, यानी कि आप इसको जीरो तो कभी ला नहीं सकते। अगर आप इसको जीरो नहीं ला सकते तो यानी कि देर इज नो जीरो या देर इज नो रूट, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर थ्री आप लोग देखिएगा, है ना? एग्जाम्पल नंबर फोर बताने जा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर फोर बताने जा रहा हूं। क्या है एग्जाम्पल नंबर फोर देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर फोर दिया है आपका कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, आपको पी एक्स दिया है 2x प्लस 1, ओके 2x प्लस 1, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है ना? आपको अगर याद हो कि किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, अगर आप क्लास 8 से पास होके आए हैं तो आपको याद हो कि 2x प्लस 1 एक लीनियर इक्वेशन इक्वल टू 0 दिया है, इसमें x की वैल्यू निकालना आता है नहीं आता? 2x इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना? ये हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू क्या आई, माइनस 1 अपॉन 2। तो यही है, px की वैल्यू जब आप 0 यानी कि px इक्वल टू 0 करेंगे, px को क्या करेंगे 0, आपको ऐसा एक ढूंढना है जिससे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0, यानी कि 2x plus 1 क्या हो जाए 0, यानी कि आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस 1 बाई 2। जैसे ही x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 इधर रखेंगे तो देखिए 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0 आया। तो यही चीज है कि इस तरह से ये सॉल्व होगा, समझ गए कि नहीं बात? यानी कि आप पॉलिनोमियल को, आप किसी भी पॉलिनोमियल, अगर आपका पॉलिनोमियल, अगर आपका पी एक्स ए एक्स प्लस बी टाइप का है तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब आपका 2x प्लस 1 टाइप का था तो a की वैल्यू क्या है 2 और b की 1, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 2। इस माइनस 1 अपॉन 2 को यहाँ रख रहे थे तो 0 हो रहा था, इसी तरह अगर माइनस बी अपॉन ए को यहाँ रखेंगे तो भी आंसर px का क्या हो जाएगा, 0, इज द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि p टाइम्स ऑफ माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर आपका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी टाइप का होगा, जैसे कि एक एग्जांपल ऊपर वाला है, ये भी ए एक्स प्लस बी टाइप का है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जो कि बी की वैल्यू क्या आई 1, तो माइनस 1 अपॉन 2, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की तरह काम करेगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इसमें रखेंगे तो 0 आएगा, हम लोग अभी देखे थे।
यानी कि माइनस बी अपॉन ए इसमें रखेंगे तो जीरो आएगा। यानी कि ये जनरल मेथड बन गया, इसको याद रखिएगा हमेशा, कोई भी पॉलिनोमियल ax प्लस बी टाइप का होगा तो उसका जो जीरो होगा माइनस बी अपॉन ए होगा। एक एग्जांपल और, जैसे x प्लस थ्री दे दिया, इसमें इसको कंपेयर करो ax प्लस बी से, तो b की वैल्यू क्या है और a की वन, x तो x, तो a की आ गई वन, b की वन, ये आपका एक पॉलिनोमियल है px, तो x की क्या वैल्यू डालेगी, ये जीरो आ जाए, तो मैंने बताया x की वैल्यू क्या डालनी है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ थ्री अपॉन ए की वैल्यू वन, यानी कि क्या हो गई है माइनस थ्री, यानी x की वैल्यू क्या रखनी है माइनस थ्री, इस माइनस थ्री को यहां रखो, देखो क्या जीरो आ रहा है, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, आया समझ में बात, नहीं आया, x की वैल्यू यहां रखो माइनस थ्री, माइनस थ्री बन जा माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा फाइव, फाइव होगा ना सिक्स, सिक्स होगा ना जीरो होगा, तो ये था बेसिक सा चीज। अब हम लोग एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर फाइव देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फाइव क्या है, एग्जाम्पल नंबर फाइव हमें वेरीफाई दैट टू एंड जीरोज आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। ध्यान से देखिएगा, टू एंड जीरो क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल, हमें यही चीज वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, पॉलीनोमियल जो आपको दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो पहले आपको क्या टू और जीरो को चेक करना है कि ये जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं, टू और जीरो तभी पॉलिनोमियल क्या जीरोज होगा अगर पी टू की वैल्यू क्या आ जाए जीरो, और पी जीरो की वैल्यू भी क्या आ जाए जीरो, तो टू की वैल्यू उठा के यहाँ रख दे, टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू टू जा फोर, यानी कि क्या हो गया जीरो, यानी कि टू तो जीरो है। अब देखो पी जीरो की वैल्यू, जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, टू इंटू जीरो जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि टू और जीरो दोनों के दोनों क्या है जीरोज ऑफ अ पॉलीनोमियल। तो यही था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज जो है 2.2 को डिस्कस करेंगे, 10 मिनट। आप ध्यान रखिएगा, टू पॉइंट टू एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, तो उसमें हम लोग चार क्वेश्चन है, चारों में कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 5x, जैसे क्वेश्चन नंबर वन देख लीजिए, एक दो बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, ध्यान दीजिएगा कौन सा पॉलिनोमियल दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो हमें चेक करना है कि x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी,
तो इसे पी एक्स मान लीजिए, ये पॉलिनोमियल को क्या मान लीजिए, पी एक्स। अब देखिए इस पी एक्स में एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है इस पी एक्स में, जीरो। यानी कि एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो। यानी कि 5 × 0 माइनस 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए क्या आंसर आएगा, 5 × 0 जीरो, 4 × 0 स्क्वायर जीरो प्लस 3। तो क्या आंसर हो गया, जीरो आएगा है, जीरो आएगा ना, 3। अब देखिएगा P, एक और ये था फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट का किया मैंने, इसमें एक और देख लीजिए, x इक्वल टू माइनस 1 के लिए करना है, कौन सा सेकंड, किसके x इक्वल टू माइनस 1 के लिए। तो जब x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो ध्यान रखिएगा 5 टाइम्स ऑफ माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 टाइम्स ऑफ माइनस 1 माइनस 5, 4 टाइम्स ऑफ माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 एंड प्लस 3। 4 एंड 3 7, 7 माइनस 5 2। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, वो आप खुद से करेंगे। ये जो फर्स्ट में थर्ड है ये आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पी वाई दिया है, पी वाई दिया है, क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसमें आपको क्या निकालना है, पी जीरो, पी जीरो, पी वन एंड पी टू, एंड पी टू। तो कैसे निकलेगा, यानी कि एक्स की वाई की वैल्यू क्या रखनी है, जीरो, फिर वाई की वैल्यू क्या रखनी है, वन, फिर वाई की वैल्यू टू। तो आप पी जीरो जब निकालेंगे तो वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, प्लस 1। इसी तरह पी वन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। पी टू जब निकालेंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2, 2 प्लस 1 3, ये हो गया। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन है इसमें, वो आप खुद से करेंगे, एंड बाकी के कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड, एंड सेकंड में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।